नमस्कार, वार्तालाप टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन में हिस्सा लेकर इसे संपन्न करा सकते हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया को बताया कि कोरोना की स्थिति से निपटने के बाद फंड एकत्र किया जाएगा। उन्होंने अनुमान जताया कि श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर 3 से 3.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। आईसीएमआर की मदद से भारत बायोटेक द्वारा निर्मित देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है और डोज देने के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ है। बिहार में पटना एम्स के बाद हरियाणा के रोहतक तिजिया में भी वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। कुछ देर तक निगरानी में रखने के बाद सभी को घर भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों में वृद्धि के साथ केरल सरकार चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य भर में कोविड फर्स्ट लाइन उपचार केंद्र स्थापित कर रही है। कोविड प्रथम पंक्ति उपचार केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिन्हें विशेष रूप से कोविड प्रकोप से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सौरी के पास मजदूरों को लेकर दिल्ली जा रही एक बस सड़क किनारे खड़ी कार से टकराकर पलट गई। हादसे में बस सवार 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 यात्री जख्मी हो गए। घायलों को सौरी और सेफई के अस्पताल भेजा गया। यह हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह हुआ। सभी मजदूर बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। दिल्ली में बारिश के बीच मिंटो ब्रिज पर एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। यह बॉडी उसी बस के सामने तैरती मिली है जो मिंटो ब्रिज पर डूब गई थी। बॉडी एक ड्राइवर की थी जिसकी मौत पानी में डूबने से हुई। वहां पहुंचे एक शख्स ने बॉडी को किसी तरह बाहर निकाला। हालांकि अभी तक किसी और की डूबने की जानकारी नहीं मिली है। मणिपुर पुलिस के एडीजीपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार ने कथित तौर पर अपने सरकारी आवास में खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। घायल हुए एडीजीपी अरविंद कुमार को राज मेडिकल सिटी ले जाया गया। फिलहाल अभी यह नहीं पता चल पाया है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। शनिवार को संचेड़ी के भौतिक हाईवे पर हुए विकास के एनकाउंटर का नाट्य रूपांतर किया गया। इस दौरान एफएसएल की टीम ने साक्ष्य एकत्रित करने के साथ नक्शा तैयार किया। टीम ने नाट्य रूपांतर में एसटीएफ के सिपाही पुष्पेंद्र को विकास दुबे बनाया। इसके बाद टीम वहां पहुंची जहां पुलिस ने विकास के साथ ही प्रभात का एनकाउंटर किया था। वहां टीम ने पनकी थाने में तैनात एक सिपाही को प्रभात बनाया। दोनों नाट्य रूपांतर में उन्हीं एसटीएफ के जवानों को शामिल किया गया जो विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर आ रहे थे। आज रविवार को तेल की कीमतों के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह ही हैं। दिल्ली में आज यानी कि 19 जुलाई को पेट्रोल की कीमत जहां 80.43 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है, वहीं डीजल की कीमत 81.52 रुपए प्रति लीटर रही है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जाने माने फिल्म डायरेक्टर रजत मुखर्जी का निधन हो गया है। उनका निधन बीती रात जयपुर में हुआ। बताया जा रहा है कि उन्हें अप्रैल महीने से ही किडनी में कुछ परेशानी थी जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। वहीं रजत मुखर्जी के निधन की खबर ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। ये खबर सुनकर अभिनेता मनोज बाजपेयी भी सदमे में है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रजत मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। उनका जन्म मुंबई में 18 जुलाई 1989 को हुआ। साल 2015 में फिल्म दम लगा के हिशा से अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत करने वाली भूमि आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।